आज की ग्रेजुएशन और 5 साल के बाद के जो जो एक सफर है, जब आप उसे देखेंगे तो बड़ा अजीब फील करेंगे। बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत मीडियोकर, बहुत तेजी से आगे जाते हुए मिलेंगे, लेकिन कामयाब वही होते हैं जो फोकस्ड होते हैं, जो डिटर्मिंड होते हैं। और ये कहने की बातें मैं नहीं कर रहा, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रेजुएट हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का और अपने तमाम दोस्तों को, अपने इलाके वालों को। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बलूचिस्तान के तमाम लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन हासिल करके ही हम आगे जा सकते हैं, अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लोगों को सर्व कर सकते हैं। और मैं अपने क्रेडिट टीचर्स, जो अभी के प्रोफेसर हैं, उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उनकी डिग्री की वजह से ये मेरा पॉसिबल हो सके। और मैं इस मामले में अपनी अम्मी को नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको इधर आज मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन वो मेरा वेट घर में करती थी, लेकिन काश वो आज होती और वो इधर दे सकती। आज का दिन जो है वो मेरे लिए बहुत खास है, और मैं एक स्टूडेंट्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स कभी भी हार ना माने। प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना चाहिए। मैं जब यहाँ पे एडमिशन कर रहा था तो इवन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं एडमिशन करा सकूँ। फिर मैंने दिन रात जो है मेहनत की, ट्यूशन्स पढ़ाई, होम ट्यूशन्स पढ़ाई, उससे मैंने अपनी डिग्री जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया। ये एक बहुत अच्छा शोबा है, लाइफ सेविंग शोबा है। तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, फार्मासिस्ट की बहुत कमी है, इसी वजह से जो मेडिसिन का सही यूज़ है वो हो भी नहीं रहा। ज़्यादा फार्मासिस्ट आएंगे तो मेडिसिन का स्कोप यूज़ भी बेहतर होगा। और इसके यहाँ से बहुत से खुशियाँ लेके जा रहे हैं, बहुत से यादगार लम्हे लेके जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ, फंक्शन में। खासकर आज के दिन हमारे लिए बहुत यादगार होगा, कैरियर ओरिएंटेड यादगार दिन है। और जाहिर बात एक जगह जहाँ हमने 5 साल गुजारे वहाँ तो छोड़ने में तो गम हो गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव इन बिटवीन फीलिंग्स। आई एम एक्साइटेड बिकॉज फॉर द रीज़न दैट आई एम लिविंग, दैट आई एम ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हेयर। But secondly, yes, I'm sad as well, I'm disappointed as well, because I know that I'm leaving the university, but I would say thank you university. सबसे पहले आज तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, स्पेशली अपने पापा के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पापा ने मुझे पता है कैसी मेहनत की है, किस तरह की है और कैसे मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो स्पेशली थैंक्स टू माई पापा जिन्होंने इतनी मेहनत की, जिन्होंने बीमारी के बावजूद सब कुछ मैं इतनी करके ना उन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। आज का दिन ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज उसके लगभग 200 स्टूडेंट्स आज यहाँ ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं और मार्केट में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है जहाँ इस मुल्क को हमने 200 लोग दिए हैं एक अच्छे प्रोफेशन में सर्व करने के लिए। और आज का दिन उनकी इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि उनको हम ये याद दहानी कराते हैं, इस ओथ सेरेमनी में हल्फ बर्दारी कराते हैं कि वो अपने प्रोफेशन को याद रखें कि वो इंसानियत की खिदमत का एक प्रोफेशन है और वो इस मकसद को लेकर अपने मार्केट में जाएं, अपने मुल्क की और अपने कौम की खिदमत करें।